नमस्कार दोस्तों, मैं शुभेंदु सिन्हा सिनेटिक में आपका फिर स्वागत करता हूँ। आज जो एक कमेंट लिया एक हेदर करके, एक उनका टू वे स्विच का कनेक्शन चाहिए था एक सॉकेट के लिए। ठीक है, हमने एक सॉकेट ले लिया, सेम डायग्राम में भी एक सॉकेट ले लिया है और दो टू वे स्विच लिया है। ठीक है, ये टू वे स्विच एक यहाँ, सेम यहाँ पर भी देखा जाए तो एक टू वे स्विच यहाँ पे और एक यहाँ पे। टू वे स्विच में देखिएगा ये तीन टर्मिनल होते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे तीन टर्मिनल का सैंपल लिया है। तो इस टू वे स्विच को लेके मैंने पंखा, ठीक है, फैन का कनेक्शन और आपका बल्ब कनेक्शन को लेके वीडियो बना चुका हूँ। सॉकेट में ये पहला है, पर आज उस जो पहला जो कॉन्सेप्ट था उसमें अभी आसान से काम कर सकते हैं। ठीक है, पर इसमें भी मैं बता दे रहा हूँ कि सर कनेक्शन किस तरीके से होगा। तो आपको देखना है जब भी इस बोर्ड में, ठीक है, इस बोर्ड में तो फेज और न्यूट्रल दोनों आएगा। ठीक है, तो जब हमारा फेज, ठीक है, जो हमारा फेज जो लाइन का वायर आएगा वो कहाँ जाएगा, तो ये आएगा स्विच के एक टर्मिनल में। ठीक है, टर्मिनल क्या, वो बीच वाले टर्मिनल में, स्विच के बीच वाले टर्मिनल में वो हमारा फेज इन करेगा। ठीक है, हमारा फेज का वायर कहाँ इन किया, इसके बीच वाले टर्मिनल में। अब ये आउट कहाँ करेगा, ये देखिए आउट करेगा ये जो टू वे स्विच है इसके दोनों टर्मिनल में। ठीक है, तो ये कहाँ से आउट करेगा, तो ये आउट करेगा, मैं आपको दूसरे बता दूसरे, ये हमारा फेज इन किया। ठीक है, अब ये आउट करेगा ये दो तरफ से। ठीक है, एक वायर जो जाएगा ये सीधा जाएगा इसके ऊपर टर्मिनल में और एक वायर जाएगा इसके सीधा इसी टर्मिनल में। ठीक है, जैसे ये फेज हमारा अलाइन आया, अभी क्या होगा, ये आउट करेगा इन दोनों में। ठीक है, एक बार ऑन करने पे एक बार ऑफ करने पे ये दोनों में अपना करंट फ्लो करेगा। ठीक है, अब हमको मेन लाना है अभी सॉकेट में। ठीक है, तो सॉकेट में जब लाना है तो सॉकेट में एक चीज़ देखिएगा, एक जगह आपको लिखे रहेगा एल, एक जगह लिखा होगा एन। ठीक है, जहाँ पे एन है वहाँ पे न्यूट्रल जाएगा, जहाँ एल है वहाँ लाइन जाएगा। तो हमारा जो ये टर्मिनल, ठीक है, ये जो बीच वाला टर्मिनल इसका रहेगा, यहाँ से हमारा एक वायर आउट करेगा। ठीक है, उसके लिए मैं अलग, ये हमारा बीच से आउट करेगा एक वायर। ठीक है, आउट कहाँ करेगा, अब इस टर्मिनल में आएगा। ठीक है, यहाँ पे जो एल है उसी टर्मिनल में अब ये वायर आ जाएगा। ठीक है, ये तीनों टर्मिनल का यूज़ हो गया। ठीक है, ये दोनों से इन दोनों में गया, बीच टर्मिनल में हमारा फेज इन करेगा और यहाँ से आउट करेगा। ठीक है, आउट करेगा सॉकेट में और इसके साथ जो हमारा न्यूट्रल आएगा, ठीक है, जो इसके साथ न्यूट्रल का वायर होगा वो न्यूट्रल हमारा डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है, न्यूट्रल में आपको छेड़छाड़ नहीं करना, जो आपका फेज का वायर है वो उसके बीच टर्मिनल में देना है, दो वायर को आउट कराना है। ठीक है, सेम ऊपर का ऊपर टर्मिनल, नीचे के नीचे टर्मिनल और बीच वाले टर्मिनल से आपको आउट करा के सेम इस जगह पे ले आना है जो हमारा लाइन का सॉकेट में दिया हुआ है। तो हम क्या करते हैं, चलिए इसका वायर जो वायरिंग होता है वो करके देखते हैं, तो आपको समझ में आसान से आ जाएगा। तो हमारा क्या, देखिए फेज हमको इन कराना बीच टर्मिनल में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका ऊपर टर्मिनल जो है, ऊपर टर्मिनल में एक वायर जो ये दोनों कलर का है, ठीक है, इन दोनों को हम दे देते हैं। तो हमारा सीधा देख लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसे कनेक्शन करते हैं। आप अपने हिसाब से वायर जितना साइज का जितना ज़रूरत है उतना ले लीजिएगा, मुझे दिखाने के लिए कम ही वायर का ज़रूरत है इसलिए मैंने कम लिया है। ठीक है, ठीक है, ये हमारा ये कनेक्शन हो गया। ठीक है, अब हमको क्या करना है, एक आउट कराना है यहाँ से बीच टर्मिनल से इस सॉकेट में। सॉकेट है कहाँ पे, जहाँ पे लिखा है, तो ये हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है, हमको यहाँ से एक वायर यहाँ पे लाना होगा। तो इसके लिए दूसरा कलर का वायर का यूज करते हैं क्योंकि आपको समझने में आसानी हो। बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, यहाँ से लाना है इसको जहाँ पे एल लिखा है, तो एल हमारा यहाँ पे है, हम इसको यहाँ पे ले आएंगे। ये जो हमारा बोर्ड का जो वायरिंग था, ठीक है, वो हमारा हो गया है। अब हमको क्या करना है, हमको फेज लाना है, फेज लाना है बीच टर्मिनल में और न्यूट्रल लाना है सॉकेट के जो ये टर्मिनल है। ठीक है, तो हम इसके क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल के लिए, जैसे ये लाल कलर का जो वायर है इसको फेज में, फेज हमारा कहाँ इन कर रहा, इसके बीच वाले टर्मिनल में, तो हम इसका बीच टर्मिनल में देते हैं फेज और न्यूट्रल कहाँ पड़ रहा हमारा, न्यूट्रल डायरेक्ट हमारा सॉकेट ही में जा रहा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, न्यूट्रल भी इसी में दे देते हैं।
तो ये जो हमारा बोर्ड का वायरिंग था, ठीक है, एक हिसाब से हमारा कंप्लीट हो गया। देखिए ये फेज न्यूट्रल हमारा अलग है, ये हमारा बोर्ड में इन किया और ये दोनों आउट किया है, और एक यहाँ से बीच टर्मिनल से आउट करके हमारा सॉकेट में आया है। ठीक है, अब इसको हम इसे सीधा कर लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको हम एक बोर्ड में लेके ट्राई करते हैं कि हमारा जो कनेक्शन है वो सही है कि नहीं है। तो हम इसको क्या करेंगे, चेक जब करेंगे, ठीक है, चेक करने के लिए हम एक होल्डर का यूज कर रहे हैं। ठीक है, इस होल्डर को हम इसमें कनेक्ट करते हैं, चेक करके देखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो कनेक्शन है वो सही है। देखिए अब यहाँ से भी ऑन ऑफ हमारा हो जाएगा। तो ये आप चार्जर के लिए अधिकांश नॉर्मल यूज करते हैं लोग, आप चार्जिंग के लिए इसका यूज कर सकते हैं, क्योंकि सॉकेट में अधिकांश चार्जर के लिए ही अभी जो समय के अनुसार यूज हो रहा है।